हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे एक नए सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा और उन क्वेश्चंस का जवाब क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में और आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और आपको उनका जवाब क्या क्या देना है। तो ठीक है, आइए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप जॉब करने आए हो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या जानते हो, ये फील्ड क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या जानते हो। तो आपको इसका जवाब बहुत ही सिंपल छोटा सा देना है। आपको ये कहना है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जो कि ऑटोमोबाइल के डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन के साथ डील करता है। ये व्हीकल इंजीनियरिंग का एक सेगमेंट है जो कि ट्रक, बसेस, कार्स, इन सब के साथ डील करता है। आपको ये भी जवाब देना है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और सेफ्टी एलिमेंट्स आते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप इसके बारे में क्या जानते हो? तो आपको ये कहना है कि जो टू स्ट्रोक इंजन में इंजन को जो पावर मिलता है वो पिस्टन के दो स्ट्रोक, यानी कि पिस्टन एक बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है और फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है और इसके साथ ही इंजन को पावर मिल जाता है। उसके बाद आपको ये कहना है कि फोर स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन है उसका चार बार मूवमेंट होता है। पहले इंटेक स्ट्रोक के टाइम में जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, फिर कंप्रेसर स्ट्रोक होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप की तरफ जाता है, देन अगेन कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है कि टॉप से बॉटम की तरफ आता है और आखिरी में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है और एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए एटमोसफेयर में चली जाती है। तो आपको इसका जवाब इतना और इतना ही देना है, ठीक है। देन तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि टू स्ट्रोक इंजन में जो इंजन की एफिशिएंसी है, रेंज है, वो क्या होती है? वो फोर स्ट्रोक इंजन से अच्छी होती है, ख़राब होती है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि टू स्ट्रोक इंजन का जो इंजन की एफिशिएंसी क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि टू स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले इंजन की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है? इसका आंसर वही है जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताया था कि इसमें दो रेवोल्यूशन होता है, उससे इंजन को पावर मिलता है, और फोर स्ट्रोक इंजन में चार रेवोल्यूशन होता है। देन जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने इंजन के सीसी के बारे में सुना होगा कि कोई 150 सीसी का इंजन है, कोई 250 सीसी का है, कोई 350 सीसी का इंजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिर सीसी का क्या मतलब होता है? तो आपका जवाब ये देना, सबसे पहले आपको ये बताना है कि सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंजन का सिलेंडर जो है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो जो क्यूबिक सेंटीमीटर जो सीसी है वो इंजन के सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम को बताता है। इसके बाद आपको ये बोलना है कि जो हमारा सीसी है वो क्या होता है कि इंजन का सीसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंजन से हम लोगों को पावर मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर इंजन का सीसी जितना ज़्यादा होगा तो जो हमारा व्हीकल है उसका जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होता है। देन फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या होगा अगर हम लोग डीजल इंजन में पेट्रोल को मिला दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन में पेट्रोल को मिलाने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि डीजल इंजन में जो हम लोग पेट्रोल को अगर मिला देंगे तो इंजन ब्लास्ट कर सकता है, और इंजन ब्लास्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो होता है पेट्रोल इंजन का वो होता है 6 से लेकर 10 तक, और जो डीजल इंजन है उसका होता है 15 से लेकर 22 तक कंप्रेशन रेशियो होता है। तो अगर हम लोग पेट्रोल को डीजल इंजन में डाल देंगे तो जो पेट्रोल है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा और उस कंप्रेशन के वजह से ही इंजन ब्लास्ट कर सकता है। देन जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने गवर्नर के बारे में सुना होगा तो ऑटोमोबाइल में गवर्नर का काम क्या होता है? तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि एक तो पहली बात कि गवर्नर जो है हमारा ऑटोमोबाइल इंजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये क्या करता है जब इंजन के ऊपर में जो लोड है वो वैरी कर रहा है, मतलब इंजन के ऊपर लोड बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से जो गवर्नर है वो इंजन के मेन स्पीड को मेनटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नर है वो क्या करता है कि मान लिए कि जब इंजन के ऊपर में लोड बढ़ गया तो क्या होगा, इंजन का स्पीड
कम हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होता है कि कम्बशन चैम्बर के अंदर में ज़्यादा फ्यूल आना चाहिए ताकि वो लोड को वैरी कर सके और उसके बाद क्या हो हमारा स्पीड इंजन का बढ़ सके, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब इंजन के स्पीड जो ऊपर में लोड है वो घट गया तो क्या होता है कि जो इंजन का स्पीड है वो बढ़ जाता है, उस टाइम पर कम फ्यूल की ज़रूरत होता है, तो इससे भी रेगुलेट हमारा गवर्नर करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन जो अगला है वो ये है कि थर्मोस्टैट क्या काम करता है या थर्मोस्टैट कहाँ लगा होता है। तो थर्मोस्टैट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि थर्मोस्टैट, आपको पहले ये बोलना है कि थर्मोस्टैट को इंजन के कूलिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। अब थर्मोस्टैट किस तरह से काम करता है अगर उसके बारे में पूछा जाए, तो आपको ये जवाब देना है कि जिस टाइम पे इंजन का जो वाटर है वो ठंडा है, उस टाइम पे थर्मोस्टैट क्या करता है कि हमारा जो मेन वॉल्व है उसको क्लोज करता है, ठीक है, जो मेन वॉल्व है उसको क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है जो कूलिंग वाटर जो कि सर्कुलेट हो रहा है वो हमारा जो रेडिएटर उसमें नहीं जाता है, वो डायरेक्ट बाईपास होते हुए रेगुलेट होते रहता है जब इंजन ठंडा हो, कूलिंग वाटर ठंडा हो। लेकिन जैसे जैसे इंजन के ऊपर लोड बढ़ता है तो क्या होता है कूलिंग वाटर जो है वो गर्म होने लगता है, उस टाइम पे जो हमारा थर्मोस्टैट है वो क्या करता है मेन वाल्व को ओपन कर देता है। मेन वाल्व को जैसे ही ओपन करता है तो जो कूलिंग वाटर जो बाईपास हो रहा था बाईपास नहीं होता है, कूलिंग वाटर उसके बाद जाता है हमारे रेडिएटर में, रेडिएटर में फैन जो एक्सल फैन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कूलिंग वाटर वो ठंडा हो जाता है और उसके बाद वो सर्कुलेट होता है, इस तरह से वो घूमते रहता है। देन जो अगला क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि DTSI का मतलब क्या होता है और जो हमारे आजकल के मोटर बाइक्स वगैरह मोटरसाइकिल्स में DTSI टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले जो DTSI है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। अब ठीक है, अब इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है या DTSI उसको इससे यूज़ किया जाता है इंजन वगैरह में ताकि जो कम्बशन चैम्बर के अंदर में जो कम्बशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो तीसरा प्रोसेस होता है इंटेक कंप्रेशन कम्बशन, जो तीसरा प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो सके, इंजन को ज़्यादा पावर मिल सके, उसलिए यहाँ पे DTSI इंजन का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है डबल स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है। अब डबल स्पार्क प्लग के बनने होने से क्या होता है कि जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो अच्छी तरह से बर्न हो पाता है, अच्छी तरह से कम्बशन ऑफ द फ्यूल हो पाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रैंकशाफ्ट का कौन सा पोर्शन सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर में रेस्ट करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए मेन जनरल, जो कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर में रेस्ट करता है। अगला सवाल वो ये हो सकता है कि आपने इंजन के ऑयल को चेंज किया, थोड़ा टेक्निकल सवाल है फ्रेंड्स ये, तो इंजन ऑयल को आपने चेक किया और आपने देखा कि वो दूध की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई इंजन में। तो फ्रेंड्स इसका जवाब ये है कि जब इंजन का जो कूलेंट है वो लीक कर जाए और इंजन का कूलेंट इंजन के ऑयल के साथ जाके मिल जाए तो क्या होता है उस टाइम पे इंजन का ऑयल सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो थोड़ा टेक्निकल सवाल था, इसका जवाब ये है। देन जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ऑटोमोबाइल में अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है, तो अल्टरनेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि अल्टरनेटर को यूज़ किया जाता है बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज करने के लिए। देन जो अगला सवाल ये वो ये है कि जो मेन बेयरिंग लगा होता है और जो कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग्स होता है, तो इनमें जो बेयरिंग का यूज़ किया जाता है वो किस टाइप के बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे प्लेन बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। देन जो अगला सवाल है वो ये है कि जो TCS है, यानी कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ऑटोमोबाइल में, वो क्या कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो टायर्स के द्वारा रोड के सरफेस पे जो टॉर्क है उसका ट्रांसमिशन करता है। देन जो अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑयल पंप जो कि यूज़ किया जाता है इंजन में, तो वो किसके द्वारा ऑपरेट होता है, किसके द्वारा ड्रिवन होता है। तो ऑयल पंप को क्रैंकशाफ्ट डायरेक्टली ड्राइव करता है, यानी कि जैसे क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है उसके साथ ही ऑयल पंप का भी उसको रोटेशन होता है। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इंटेक मैनिफोल्ड लगा होता है इंजन में, तो इंटेक मैनिफोल्ड क्या करता है। तो इसका जवाब ये है कि जो इंटेक मैनिफोल्ड है वो सिलेंडर के अंदर में जो इंटेक स्ट्रोक के टाइम पर जो एयर आ रहा है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन जो अगला सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल में GVW इसका मतलब क्या होता है। तो GVW का मतलब होता है ग्रॉस व्हीकल वेट। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन लाइन फोर स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इसका फायरिंग ऑर्डर होता है 1, 3, 4, फिर 2, यानी कि पहले जो पहला सिलेंडर है उसमें से पावर स्ट्रोक मिलेगा, फिर थर्ड वाले सिलेंडर से पावर स्ट्रोक मिलेगा, फिर फोर्थ वाले सिलेंडर से पावर स्ट्रोक मिलेगा और उसके बाद सेकंड वाले सिलेंडर से पावर स्ट्रोक मिलेगा।
देन जो अगला क्वेश्चन आप ये पूछा जा सकता है कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन में अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा रिच है, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि एयर फ्यूल का मिक्सचर टू रिच है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर फ्यूल का मिक्सचर कितना है। तो अगर स्पार्क इग्निशन इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर टू रिच है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो है 10:1, यानी 10 पार्ट्स ऑफ एयर पे 1 पार्ट्स ऑफ फ्यूल। देन अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पार्क प्लग से जो स्पार्क निकलने से पहले अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइट हो जाए, इसका मतलब क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम इंजन में है। इसका मतलब है कि इंजन में प्री इग्निशन का प्रॉब्लम है, यानी स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलने रहा है उससे पहले ही मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जा रहे हैं और इग्नाइट कर जा रहे हैं। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ऑटोमोबाइल में ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो जो ऑक्सीजन सेंसर है वो एयर फ्यूल रेशियो कितना है इस टाइम पे इंजन में कंबशन चैम्बर के अंदर में, उसका इन्फॉर्मेशन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है ब्रेक फ्लूइड के बारे में कि जो .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड है उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो .4 फ्लूइड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट .3 फ्लूइड के मुकाबले ज़्यादा होता है। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिलेंडर ब्लॉक जो होते हैं उनमें एल्यूमिनियम अलॉय का यूज़ क्यों किया जाता है। तो एल्यूमिनियम अलॉय का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम हल्के होते हैं और इनका जो हीट डिसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो हीट डिसिपेट होता है वो एल्यूमिनियम में ज़्यादा हाई होता है। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पेट्रोल इंजन है उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो डीजल इंजन के मुकाबले कम क्यों रखा जाता है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम लोग पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा रख देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पेट्रोल इंजन है उसमें प्री इग्निशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। इसके अलावा जो प्रोडक्शन हो गया, थर्मल हो गया, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, या फिर फायर फाइटिंग हो गया, और बहुत सारे फील्ड है मैकेनिकल रिलेटेड जहाँ पे आप इंटरव्यू में देने जाते हो, तो वहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या उनका आंसर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ, और वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, गुड बाय।